हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको बताना है गति के समीकरण को सदिश राशि के रूप में व्यक्त करना है। कैसे गति के समीकरण को सदिश राशि में व्यक्त किया जाता है। सिंपल सा फार्मूला है, आप जानते हैं गति का समीकरण क्या होता है। पहला वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, एस बराबर कितना होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, यही ना। जहाँ पे u आपका प्रारंभिक वेग होता है, v आपका अंतिम वेग होता है, a क्या होता है त्वरण होता है, t क्या होता है समय होता है, s क्या होता है s विस्थापन होता है, क्लियर ना। विस्थापन का मतलब क्या होता है, दूरी होती है, चली गई दूरी होती है। ये आपकी गति के समीकरण होते हैं। आपको मालूम होगा किसी भी राशि को सदिश राशि के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या होता है। आपको पिछले टॉपिक में बताया गया था कि सदिश राशि का क्लियरेंस कैसे करेंगे कि ये सदिश राशि, यदि उस राशि के ऊपर तीर का निशान दिख रहे ना, यदि तीर का निशान लगा दिया जाए तो आप कहेंगे क्या है, सदिश राशि। तो पूरे समीकरण में कुछ नहीं किया गया है, जो राशियाँ थी देखिए, ये प्रारंभिक वेग था, ये अंतिम वेग था, ये प्रारंभिक था, वेग था ये त्वरण, सबके ऊपर क्या कर दिया गया है, तीर का निशान लगा दिया गया। और जैसे तीर का निशान लगाया गया है कि कौन सी राशि हो गई, ये सदिश राशि हो गई। ये जो निरूपण तीर के निशान के द्वारा व्यक्त किया गया है, ये आपके सदिश राशि का निरूपण है। फिर ये देखिए, ये जो समीकरण आया है, जब गति क्या होती है, सरल रेखा में होती है, जब कोई पिंड या वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो उसके लिए गति का समीकरण प्राप्त होता है सदिश रूप में। और ये जो दर्शाया गया है, जब कोई वस्तु या पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करती है तब जो गति का समीकरण प्राप्त होता है उसके लिए समीकरण प्राप्त हुआ है। यहाँ पे जब देखिए, यहाँ पे एक स्थान पे यहाँ ए है, यहाँ पे ये स्थान क्या है, जी है। जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी जब वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करेगी तो एक स्थान पे क्या होगा, जी का प्रयोग होता है। और सभी राशियों पे क्या होता है, तीर का निशान यानी वेक्टर सदिश का निशान बनाया गया है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, तीर का निशान लगा के हम किसी भी सदिश राशि को के समीकरण को व्यक्त कर लेते हैं, क्लियर। अगला बताना है रिज रेखीय वृत्त। रिज रेखीय का मतलब जैसा आप नाम से समझते हैं, रिज का मतलब होता है सीधी, रेखीय गति, यानी जब कोई वस्तु या पिंड सरल रेखा में सीधी रेखा में गति करता है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, रिज रेखीय गति कहते हैं। यानी क्या हुआ, जब कोई पिंड किसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत करता है कि उसकी दिशा प्रारंभिक त्वरण के समांतर हो तथा पिंड के वेग का परिमाण अर्थात चाल समय के साथ बदलता हो परंतु दिशा ना बदलता, इस प्रकार के पिंड को कहते हैं रिज रेखीय गति। जब कोई वस्तु या पिंड सीधी रेखा में गति करेगा तो उसका जो चाल होता है समय के साथ बदलता है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी दिशा ना बदलनी चाहिए। अगर दिशा बदल जाती है, इधर हो जाती है, इधर हो जाती है, ये रिज रेखीय गति नहीं होती। यानी रिज रेखीय गति का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु या पिंड सीधी रेखा में ऐसे गति करे तो इसकी गति को क्या कहते हैं, रिज रेखीय गति कहते हैं, क्लियर। अगला आपको टॉपिक बताना है प्रक्षेप। प्रक्षेप गति का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर से भिन्न। मान लीजिए कोई वस्तु आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं जिसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। और जैसे क्या होता है, कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दूसरी दिशा में ऐसे फेंकते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। यहाँ पे देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति स्थित है, यहाँ से कोई वस्तु फेंकता है तो ऊर्ध्वाधर गति का मतलब सीधी दिशा में जाएगा, और ये ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न इस दिशा में अगर किसी वस्तु को फेंकता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। मान लीजिए आपको कोई गेंद है, जब गेंद आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ दूरी तक गेंद आपकी ऊर्ध्वाधर दिशा यानी सीधी दिशा में जाता है, लेकिन क्या होता है, कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद गेंद आपकी क्या होती है, वापस लौटती है। जब गेंद आपकी वापस लौटती है तो उस समय जो गेंद में गति होती है उसको आप कहते हैं, उस गति को क्या कहते हैं, आपको प्रक्षेप गति कहते हैं, क्लियर। इस प्रकार आप आज पढ़े हैं रिज रेखीय गति पढ़े हैं, प्रक्षेप गति पढ़े हैं, गति के समीकरण के सदिश का निरूपण पढ़े हैं। आगे आपको बताया जाएगा प्रक्षेप गति का क्या होता है, उड्डयन काल, क्लियर। थैंक यू।